हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है ना, ये मुझे प्रीवियस वीडियो से पहले शेयर करनी थी। एक्चुअली ये नवरात्रे से 2 दिन पहले की वीडियो है। जिस दिन मैंने नवरात्रे की सारी तैयारी की थी, मैंने अपने बेडरूम की, ड्राइंग रूम की, सबकी डीप क्लीनिंग की थी, तो मैंने क्लीनिंग वीडियो शूट किया था। पर इसको मैंने पोस्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक क्लीनिंग वीडियो मैंने तुरंत डाली थी, तो मैंने कहा बैक टू बैक क्लीनिंग वीडियोज़ हो जाएंगी, इसलिए थोड़े दिन अभी छोड़ देते हैं। एक वीडियो डाल करके उसके बाद फिर से मैं क्लीनिंग वीडियो डालूंगी, तो बस इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, होल्ड कर लिया था। और अब मैंने वो वीडियो डाल दी है फर्स्ट डे की, तो अब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये था नवरात्रि से पहले, थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है, और डीप क्लीनिंग किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो बेडरूम की डीप क्लीनिंग कर दें अच्छे से, क्योंकि मुझे कर्टन्स वगैरह साफ़ करने थे, डस्टिंग करनी थी। तो सोचा कि जब कर्टन्स वगैरह सब निकल ही रहे हैं तो अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी जाए, और जितने भी मेरे गद्दे वगैरह हैं और जितनी भी मेरी सारे कुशन और तकिए हैं और छोटे छोटे जो तकिए हैं सिद्धार्थ के, वो सारे मैंने छत पर कम से कम 3-4 घंटों के लिए उनको छत पर मैंने कड़ी धूप में डाल दिया था, क्योंकि मेरे छत पे बहुत अच्छी सी धूप आती है। तो मैंने बढ़िया सी चटाई वगैरह बिछा के उनको डाल दिया। सबसे पहले मैंने कर्टन्स उतार लिए थे सारे डस्टिंग करने से पहले, ताकि मैं इनको मशीन में डाल सकूं, और जब तक मेरी डस्टिंग होती रहेगी तब तक मेरे कर्टन्स भी धुल के रेडी हो जाएंगे। और आजकल की धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि कुछ ही देर में सारे कर्टन्स वगैरह हमारे सूख गए थे। और जब भी आप कर्टन्स वॉश करते हैं, तो जिनके अंदर ये रिंग टाइप के कर्टन्स होते हैं, इनको हमेशा इस तरीके से बांध करके वॉश करना चाहिए, नहीं तो ये जो सर्कल हैं ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और टूट जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप किसी भी कॉटन के कपड़े से या किसी रस्सी से ये सारी जो रिंग्स हैं इनको अच्छे से एक साथ मिला करके बांध दें, और उसके बाद आप इनको मशीन में डालें। डिटर्जेंट आप कोई माइल्ड यूज़ करें, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेफ वॉश, इजी यूज़ कर सकते हैं या कुछ भी। इनसे कोई रिस्क नहीं रहता है कि आपका कपड़ा ख़राब होगा। वैसे मैं सर्फ एक्सल डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स पूछते हैं कि आप डिटर्जेंट कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं सर्फ एक्सल ब्लू लिक्विड वाला डिटर्जेंट जो है वो यूज़ करती हूँ। मुझे लिक्विड काफ़ी पसंद आ गया। पहले मैं पाउडर वर्जन किया करती थी, पर जब से मैंने लिक्विड यूज़ किया तो मुझे वो बहुत पसंद आ गया, तो तब से मैं वही यूज़ करने लगी। डीप क्लीनिंग का सबसे पहला रूल होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, आप उन सबको खाली कर दें, तभी अच्छे से क्लीनिंग हो पाती है। तो ये मेरा बुक शेल्फ है, जिसके ऊपर कुछ डेकोरेशन के पीसेस भी रखे हैं, और कुछ बुक्स, डायरीज जो मेरे डेली यूज़ में आती हैं, काम में आती हैं, और सिद्धार्थ की कुछ बुक्स हैं डेली की। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं इससे रिमूव कर दूँगी, और सारा मैंने बेड पर उठा के फ़िलहाल के लिए रख दिया। जितना भी मेरा सामान है मैं सारा बेड पर रख रही हूँ, और ड्रेसिंग का भी जितना सामान है उसको भी मैं बेड पे रख दूँगी। और साइड में जो मैंने साइड टेबल की तरह अपनी कुछ ओल्ड फर्नीचर है उसको लगाया हुआ था, वो सब मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे डस्ट ना आ जाए, क्योंकि मैं अभी डस्टिंग करने जा रही हूँ। तो जितनी भी चीज़ें हैं मैं उनको बेड पे निकाल के रखूँगी, और उसके बाद एक कपड़े से उन सबको ढक दूँगी। उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी डस्टिंग। अगर मैं ऐसे ही डस्टिंग स्टार्ट कर दूँगी तो जो मेरी साफ़ सुथरी चीज़ें हैं ना, जो मैं डेली साफ़ करती हूँ, वो भी पूरा डस्ट डस्ट हो जाएंगी, तो काम दुगना बढ़ जाएगा। तो एकदम से डस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने हर चीज़ को रिमूव कर दिया है। ड्रेसिंग टेबल मेरा नीचे से डिटैच हो जाता है, उसको भी हटा दिया है। स्टडी टेबल हटा दिया है, सारे डेकोरेटिव पीसेस हटा दिए हैं, गद्दे हटा दिए हैं, पिलोज़ हटा दिए हैं, कर्टन्स हटा दिए हैं। तो अब घर जो है वो एकदम डस्टिंग करने के लिए रेडी है। और कितना कचड़ा हो जाता है ना किसी फर्नीचर के पीछे, जो भी आप फर्नीचर लगा दें, क्योंकि वो डेली क्लीन नहीं होता है तो कचड़ा हो जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। डस्टिंग जो मुझे आप कहेंगे दीवारों को जो साफ़ करना है, वो मुझे अच्छा लगता है झाड़ू से ही, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। झाड़ू आपकी साफ़ होनी चाहिए, अगर हो सके तो आप दूसरी यूज़ करें झाड़ू, डस्टिंग के लिए अलग यूज़ करें और नीचे फ्लोर पे लगाने के लिए अलग यूज़ करें। लेकिन अगर आप एक ही झाड़ू रखना चाहते हैं तो एक दिन पहले उसको वॉश करके सुखा लें, जैसे कि मुझे आज करनी है, तो मैं एक दिन पहले ही उसको वॉश करके सुखा लूँगी तो वो क्लीन हो जाएगी, तो आप उससे डस्टिंग कर सकते हैं। और हाँ, मेरी तरह अपना नोज़ और माउथ कवर करना भूल मत जाना। मैंने काफ़ी देर बाद जो है अपना जो नोज़ है उसको कवर किया, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा होती है और फिर एलर्जी होने के चांसेस होते हैं।
मैं पहले कई बार ऐसे ही कर लिया करती थी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सफोकेशन फील होता है अगर मैं अपनी नोज़ के आसपास कुछ भी अगर रखा भी रहता है, बंधने की बात अलग है, अगर रख भी लूज़ होते समय मैं हाथ भी रखूँ तो मुझे बहुत सफोकेशन फील होता है, तो इसलिए मैं नहीं बांधती थी। लेकिन उसके बाद इवनिंग तक इतनी ज़्यादा मुझे एलर्जीज हो जाती थी कि फिर मैंने ये चीज़ करनी बंद कर दी, और मैं हमेशा मुँह पर कपड़ा बांध के ही काम स्टार्ट करती हूँ डस्टिंग का। सारी नीचे की डस्ट क्लियर करने के बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है घर को, और इसके पीछे एक बड़ा सा रीज़न कि मैंने ऐसे रीअरेंज क्यों किया, मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे लगा दिया है साइड टेबल की तरह, अपने स्टडी टेबल के बगल में स्टडी टेबल भी जगह पे लगा दिया है। और मैंने ऐसा क्यों किया उसका रीज़न मैं बताऊँगी आपसे बाद में, क्योंकि कुछ करने वाली हूँ मैं घर में मेज़र चेंज। और बस उसके बाद जो ड्राई डस्टिंग है वो तो हो गई है मेरी, तो अब जो मेरा होममेड क्लीनिंग सॉल्यूशन है उसको लेकर के मैं सारे जो मेरा फर्नीचर है, क्योंकि डस्ट ऊपर से नीचे आ जाती है, तो फ्लोर वगैरह की डस्ट मैंने सारी क्लीन कर दी है, तो जो नीचे से भी डस्ट उड़नी थी वो भी सारी हट गई है। अब बस क्या है, मुझे वेट क्लीनिंग करनी है, एक गीले कपड़े से सारा फर्नीचर, सारी जितना भी लकड़ी का सामान है या जो भी घर में सामान है उन सबको क्लियर करना है। तो गीले कपड़े से भी सारी डस्टिंग हो गई है, और अब देखिए चीज़ों को ढकने का क्या फ़ायदा होता है, कि जितना भी मेरा ड्रेसिंग टेबल का सामान था वो बिल्कुल भी उस पर डस्ट नहीं गई है। तो अब मैं फाइनली चादर को हटा करके और सारा सामान मैं एज इट इज़ अरेंज कर दूंगी, उसको मुझे उसकी डस्ट क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एकदम साफ़ सुथरा है। क्योंकि हम जो ये सारे सामान होते हैं इनकी डेली या एक दिन स्किप करके हम उनकी डस्टिंग क्लीनिंग करते ही रहते हैं, तो वो उतने गंदे नहीं होते हैं। और जितना भी मेरा बुक शेल्फ का सामान है उन सबको हल्का हल्का मैं पोंछ करके और रख दूंगी, फिर से रीअरेंज कर दूंगी। तो ड्रेसिंग टेबल का और बुक शेल्फ का सारा सामान मैंने लगा दिया है, तो मेरा बेड अप एकदम क्लियर हो चुका है, उस पर कुछ भी सामान नहीं है, तो मैं फाइनली उसको कर दूंगी क्लीन। और उसको क्लीन करते करते मुझे याद आया कि मैंने अपना पंखा साफ़ नहीं किया, मैं उसको साफ़ करना भूल गई, तो उठ करके फिर मैंने अपना फ़ैन क्लीन किया पहले, क्योंकि ये भी डस्टिंग के साथ ही करना था मुझे, लेकिन मैं भूल गई इसको, तो अब मैं कर दूंगी। तो थोड़ी बहुत जो डस्ट गिर रही है वो बेड पे ही आएगी, क्योंकि पंखा जो है ज़्यादा गंदा नहीं था, अभी हमने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्की फुल्की डस्ट थी, तो वो सारी बेड पे आ जाएगी, और उसके बाद मैं बेड को क्लीन कर दूंगी। ड्राइंग रूम की चेयर और हस्बैंड के जो गिटार है, सिद्धार्थ का गिटार है, ये सारा भी मैंने क्लीन किया, और यहाँ की भी मैं डस्टिंग कर चुकी हूँ, पर मैं इतना ज़्यादा डस्टिंग शूट नहीं करा मैंने इस रूम का, सिर्फ बेडरूम का ज़्यादा शूट किया है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं सेम सोल्यूशन के साथ ही
सारा पोंछ के रखती हूँ। और ये मैंने कॉलिन्स की बॉटल में भरा हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन सेम है जो मैं घर पे क्लीनर बनाती हूँ वही है, और इन्हीं से मैं अपनी सारी चेयर्स, गिटार हो गया या फिश टैंक है या हर चीज़ मैं इसी से क्लीन करती हूँ। मेरा ऑल टाइम फेवरेट क्लीनिंग सॉल्यूशन है ये। इस सॉल्यूशन का लिंक जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चेक कर लें और एक बार बना के ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। आज हो गया नेक्स्ट डे। कल पूरा दिन सफाई करते करते, काम करते करते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया और दिखा भी नहीं पाई कि घर कैसा हो गया। घर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस खाली डस्टिंग और सफाई, सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया। और आज मैंने कर्टन्स भी लगा दिए हैं धो करके, तो कर्टन्स का एकदम लग रहा है जैसे कलर ही चेंज हो गया है, क्योंकि जब उन पे डस्ट डर्ट सारी जम जाती है तो जो ब्लैकनेस आ जाती है तो कलर एकदम डिफरेंट लगने लगता है। जिस दिन आप उनको वॉश करके लगाओ तो लगता है कि कलर एकदम चेंज हो गया है। कर्टन सारे एकदम नीट एंड क्लीन है, तो मेरी जो नवरात्रि की जो प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। और ये सारा, और यहाँ से ये हटा दिया है, ड्रेसिंग टेबल वहाँ रख दिया जैसा कि आपने कल देखा था। अभी सामान सारा आपको लग रहा होगा कि एकदम क्लटर जमा हुआ है, बिकॉज ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी अभी हटेंगी यहाँ से, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं थी इनको रखने की अभी, तो इसीलिए एज इट इज़ मैंने डाल दिया इनको। और जब यहाँ पे न्यू ड्रेसिंग टेबल आ जाएगा तो सारा सामान मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी। और इस जो बॉक्स है इसके अंदर सारा मेरा जो ज्वेलरी, बैंगल्स और मेकअप का सामान, वो सारा मैंने इस बॉक्स में भर के रख दिया है। बस अब वेट कर रही हूँ कि कब ड्रेसिंग टेबल आए। आज है फ्राइडे और संडे को हम लोग जाएंगे, तो संडे को देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं कौन सा पसंद आता है। तो संडे देखते हैं, संडे के संडे आ जाएगा या फिर मंडे तक डिलीवर होता है, कब आता है उसके बाद ही मैं यहाँ पे बहुत बड़ा या बहुत सुपर एक्सपेंसिव मैं कुछ नहीं लेने वाली हूँ यहाँ पे। बस मैं अभी काम चलाऊ चीज़ें लेने वाली हूँ, क्योंकि इस घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। जिस हिसाब से, जिस टाइप का ड्रेसिंग टेबल मुझे पसंद है उसके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अभी मैं सिर्फ स्टोरेज पर्पस से ले रही हूँ कि मेरी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से स्टोर हो जाएं। और ये जो आप यहाँ पे मिरर देख रहे हैं, इसको मैं फेंकने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसको मैं अभी स्टोर करके, अच्छे से रैप करके कहीं भी रखने की कोशिश करूँगी, और इसे मैं बाद में रीयूज़ करूँगी, इसको मैं फेंकूँगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मेरी शादी का मिरर है और इसे मैं बिल्कुल फेंकना नहीं चाहती हूँ। तो मेरे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं रिप्लेस नहीं कर रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ याद जुड़ी हुई है। जैसे जो मेरा सोफ़ा है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि आप सोफ़ा चेंज करो। सोफ़ा मैं चेंज कर सकती हूँ अभी, लेकिन आप देखते हैं मेरे ड्राइंग रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मुझे एल शेप जो सोफ़ा होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं जब भी लेना चाहूँगी तो मैं वही सोफ़ा लेना चाहूँगी। उसके लिए आप देखते हैं मेरे ड्राइंग रूम में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो अगर मैं ये 3 सीटर रिप्लेस करती हूँ तो या तो मुझे सोफ़ा कम बेड लेना पड़ेगा या फिर 3 सीटर ही वापस से लेना पड़ेगा, तो मैं उसको रिप्लेस नहीं करना चाहती। और दूसरा रीज़न ये है कि वो मुझे पापा ने दिया था, मेरे सिद्धार्थ का बर्थडे था उस दिन और वो लेकर आए थे एकदम सरप्राइज़ देने के लिए, तो इसीलिए वो मैं रिप्लेस अब बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। और अगर हम कभी बाहर किसी बड़े घर में जाते हैं तो फिर मैं उसको, उसका जो कपड़ा वगैरह है चेंज करवा करके उसको रीयूज़ करूँगी, उसको मैं थ्रो नहीं करना चाहती या सेल नहीं करना चाहती। तो ये रीज़न है कि मैं वही सोफ़ा यूज़ कर रही हूँ। और अगर मैं अभी लेना भी चाहूँ तो मैं नहीं ले सकती, क्योंकि जगह नहीं है मेरे घर में। और आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है नवरात्रि की? कल से नवरात्रा स्टार्ट हो रहा है, तो कल से फास्ट है। फास्ट मतलब मैं पूरे नहीं रखती हूँ, शुरू और लास्ट का रखती हूँ, तो कल तो मैं रखूँगी फास्ट। और घर इतना नीट एंड क्लीन और इतना अच्छा सा हो गया है कि बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग लग रहा है। बस मेरा एक काम बचा हुआ है, मैंने मंदिर साफ़ नहीं किया है, तो वो मैं करने वाली हूँ आज इवनिंग में। इवनिंग ऑलरेडी हो चुकी है, अभी 6:45 हो रहा है, बट मैं जब पूजा करूँगी अभी शाम की, तो उससे पहले मैं पूरा जो है मंदिर है, पूरे मंदिर को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मंदिर भी साफ़ हो जाएगा तो मेरा घर एकदम नवरात्रि रेडी हो जाएगा। जो पूरा ओवर लुक है कमरे का कैसा आएगा वो तो ड्रेसिंग टेबल लेने के बाद ही समझ में आएगा। अभी मुझे पता भी नहीं है मैं क्या डिज़ाइन लूँगी, कैसा लूँगी, लेकिन ये सोच रखा है कि बस स्टोरेज जिसमें अच्छी सी हो बस वही लेना है। तो बस ये जो साफ़ सफाई वाली वीडियो थी, बेडरूम क्लीनिंग और रीऑर्गेनाइजिंग की वीडियो, ये यहीं पर ख़त्म होती है। मिलूंगी मैं आपसे किसी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।